పొగ త్రాగడం మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ हेलो शंकर बोल रहा हूँ यार। दो दिन हो गया यार तुझे देखे हुए। कहाँ है तू? सुब्रमण्यमपुर। क्या क्या कहा? कहाँ है तू? हाँ तूने ठीक ही सुना है। ये गांव और इस गांव के रहस्य का खुलासा करने के लिए मैं एक महीने से यहीं घूम रहा हूँ। मुझे जो पता चला अगर वो सुनेगा तो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे जाने ही नहीं देता। हाँ हाँ इसीलिए तो अपने एंडोमेंट डिपार्टमेंट में अपने बॉस को बिना बताए चला आया। मुझे जो पता चला है वो सब मैं एक किताब में लिख रहा हूँ। बस 10 पेज और लिखूंगा, उसके बाद फिनिशिंग टच। कल ही मैं अपने डिपार्टमेंट मीटिंग में इसे सबमिट करने वाला हूँ और कल हमारा ये सुब्रमण्यमपुरम के रहस्य का मिशन पूरा हो जाएगा। और सुनो, कल की मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात तो तुम समझ ही रहे हो ना। तो जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है ना। सोचना क्या है? टुमारो इज माई बिग डे, विश मी ऑल द बेस्ट।
मोर्चर रिवॉर्ड की मिस्ट्री के बारे में हमारे कॉलेज के टॉपर पल्लवी। नाइट आफ्टर 12 मोर्चर रिवॉर्ड के 13 विंडो से कुछ दिखाई पड़ता है। गॉड सो स्केरी। 13 नंबर की जो खिड़की है ना, उस पर शैतान का साया है। 13 नंबर, डेविस नंबर, ड्रेस कोड भी है फोबिया। राउंड नहीं लगाऊंगा तो डीन जान खाएगा, लेकिन रात को उस तरफ जाने में मेरी जान निकल जाती है। काहे का भूत, चल निकल। मोर्चुरी, मुझे कुछ नहीं पता भाई। सर, उस मिस्ट्री पर आपका कोई कमेंट? एग्जैक्टली क्या है हम कुछ नहीं बता सकते, बट स्टूडेंट्स बेटर डोंट गो दैट साइड। ओके, बाप रे, मोर्चुरी इसी तरफ है। डर भी रहा है और सीना भी चौड़ा कर रहा है। ये सब जरूरी है क्या? देख भाई, एक भी सवाल का जवाब ना मिले तो मुझे नींद नहीं आती, और यहाँ कॉलेज में सवाल ही सवाल है। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता मैं शांत नहीं बैठूंगा। ओए, तुझे चर्बी है इसलिए तू जा रहा है, बीच में मुझे क्यों खींच रहा है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ यार। सस्पेंस को कॉमेडी का साथ मिले तो फॉर्मूला सुपर हिट। चला जा। अरे सुन यार, एक काम कर, तू भी अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रख दे, अचानक आवाज आई तो कोई जाग जाएगा। ओ, मुर्दों को आवाज सुनाई नहीं देती ना। सॉरी। हाँ चल। यहाँ तो इतने सारे मुर्दे हैं। हाथ, अब इंसान है तो हाथ तो होगा ही ना, तेरा हो गया डराना, अब चल। फोन। मैंने तुझे पहले ही कहा था साइलेंट पर रख दे। ये मुझे मुर्दा बना कर छोड़ेगा। 11 13 सो माई डियर फ्रेंड्स, आपका ये हिम्मत वाला कार्तिक जो कहना चाहता है वो ये है कि हर रोज रात को हमारे मॉर्चुरी वार्ड में दिखाई देने वाला भूत, हाल ही में अपने मॉर्चुरी वार्ड को रिनोवेट किया गया। उस रेनोवेशन के बाद एक रिफ्लेक्टिंग शीट वहीं पर रह गई। रिफ्लेक्टिंग है तो समझ में नहीं आया ना, मतलब एक बड़े से साइज का आईना। आईना? आगे कहूं तो हर रोज रात को 12 के बाद हमारे कॉलेज की स्पॉटलाइट ऑन होती है। वो लाइट 13 नंबर विंडो के पास से होती हुई ठीक उस आईने पर पड़कर फिर से 13 नंबर विंडो से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। उस रिफ्लेक्ट होती लाइट को आप सब लोगों ने भूत का नाम दिया है, और वो मॉर्चुरी वार्ड से आ रही है, इसलिए आपका डर और भी बढ़ गया है। ये है उस भूत की बैक स्टोरी। जैसा तुमने गेस किया था वैसा ही। वाओ। अच्छा वाओ। अगर हमारे साथ वहां रात को होती ना तब पता चलता। बढ़िया ही वाओ करने वाली। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस कार्तिक का कोटेशन ये है कि संसार में हर सवाल का जवाब होता है, जिस सवाल का जवाब ही ना हो तो प्रॉब्लम सवाल का नहीं, कोशिश का है। सी यू गाइस। सी यू। बाय फ्रेंड्स। मेरा भी यही कहना है, ठीक है? चला जा कार्तिक। यस मैम। हर बार हमें सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हो सकता है वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो। सवाल का जवाब ना ढूंढा जाए तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या मैम।
सिगरेट छोड़कर चॉकलेट खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। पान का पत्ता स्पिरिट खींच लेता है, पता है ना? है? गैस ना रहे तो मोटापा नहीं बढ़ता, नींबू से नशा नहीं चढ़ता यार। अगर इतना डर है तो दारू क्यों, ठंडा पानी पीना चाहिए, है ना? माजी एक दूध का पैकेट। हाँ। ए, ये लीजिए। नमस्ते। खुश रहो बेटा। साई बाबा ने कहा था मुझे देने से बेहतर इन्हें दे दो। ओए। वाह। नाइस वर्क। किसी और का प्रूफ किया ट्राई करना नहीं होता, किसी ने ट्राई ना किया हो वो प्रूफ करना होता है, उसी में थ्रिल है। फिडल स्टिक। या थैंक यू। अरे धोनी इतने सारे लॉजिक बताता है, आउट कैसे हो गया? ये लॉजिक नहीं है, कैलकुलेशन है। गॉट इट? नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, कभी नहीं। ये सही रहेगी, पता नहीं क्या सोचेगा। नहीं मुझे नहीं लगता अब। अरे गणेश, वाहिनी। क्या है माँ? वो क्या है ना, कार्तिक के कॉलेज का लास्ट ईयर है ना, तो क्या तुम्हारे भाई को, भाई को? बताओ ना ये टी शर्ट ठीक रहेगी। मेरी टी शर्ट कार्तिक को दोगे तुम? माँ तुम भी ना सब उसी के लिए सोचता है। दिक्कत नहीं तुझे? अभी तक कार्तिक रेडी नहीं हुआ ना? अच्छा हुआ, मुझे तो लगा था आपने दूसरी शर्ट से लेकर ली। अरे नहीं नहीं हुई तो नहीं है, ये टी शर्ट ठीक रहेगी। आज वो टी शर्ट कैसे पहनेगा? क्यों? आज कॉलेज का लास्ट डे है और ऊपर से प्रैक्टिकल्स भी है, ये ब्लैक फुल हैंड शर्ट उसके लिए परफेक्ट रहेगी। परफेक्ट भाभी। हे थैंक यू बच्चू। गुड मॉर्निंग गाइस। घर में दो दो लेडीज मौजूद हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। सुबह से एक चाय के लिए चिल्ला चिल्ला कर थक गया हूँ मैं, लेकिन तेरे लिए सूप से लेकर शू देने के लिए सब तैयार खड़े हैं। कुंडली में राजयोग है। ओए कुंडली के नाम से मुझे याद आया, अरे कार्तिक आज तुम्हारे राशि में क्या लिखा है सुनो तो। टाइम नहीं है माँ, मैं रात में सुन लूंगा। आज का तुम्हारा राशिफल रात को सुनोगे तो फायदा क्या होगा? क्या फर्क पड़ने वाला है, जिसके साथ जो होना है वो होगा, ज्यादा सोच के क्या होगा, सब बेकार की बातें हैं। क्या पापा माँ की बातों में आ गए? मतलब भैया आज आप ऑफिस कैसे जा रहे हो? कार से। क्यों? वो क्या है ना, मुझ जैसा हैंडसम लड़का कार से नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। रिक्शे में और अच्छा लगेगा। अपने कार की दीजिए। पहले दूध दो। वेल डन बाजी। आहा सुन ले, कार पर थोड़ा सा भी डेंट पड़ा ना, नेक्स्ट वीक के मेडिकल कैंप के लिए एक रुपया भी मत मांगना मुझसे, समझ गया ना? भैया यार तू जा रहा कहां, इनकी बकवास सुन रहा है? ऐसा ही हूं मैं। हमारे रेडियो स्टेशन में आपका स्वागत है। आज का आपका राशिफल, आज का दिन स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अच्छा दिन होगा। आज का दिन कुछ स्पेशल होने वाला है, सीधी तरह कहा जाए तो आज का दिन आपका लकी डे है, क्योंकि अरे मुद्दे की बात बता यार। राज बताने से पहले आप ये गाना सुनिए। हाँ बोलो माँ। अरे बेटा मैंने तुम्हारा राशि फल पढ़ा है, पता है उसमें क्या लिखा है? तुम्हारे लिए लकी साबित होने वाली लड़की मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू मीट योर लकी गर्ल यू नो। अरे माँ मैं रोज सैकड़ों लड़कियों को देखता हूँ, अब उसमें से कौन सी मेरे लिए लकी गर्ल होगी? माँ तुम भी ना। अरे बेटा तुम जिन सैकड़ों लड़कियों को देखते हो ना उनमें से 99 लड़कियाँ अलग है, लेकिन ये लड़की स्पेशल है, दिल की आंखों से देखोगे तो महसूस होगा। अरे वाह चलो पार्किंग तो मिल गई। हाँ तो हम बता रहे थे आपको आपका राशिफल। बाप रे बाप। हेलो
वेरी नाइस। हाय आई एम कार्तिक। नाम है वाणी। इससे पहले तो कभी देखा नहीं। कैंपस की हो ना? बीडीएस फाइनल ईयर लियो। कूल। 1 मिनट पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तो बहुत अच्छी ओपिनियन क्रिएट हुई थी, इसलिए अचानक झगड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से एक लड़की हो, लेकिन लड़की से ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्कशॉप ले जाकर रिपेयर करवाओगी तो तुम्हें परेशानी होगी। मुझे पैसे दे दोगी तो मैं करवा लूंगा, कोई बात नहीं। हेलो ब्लैक एंड व्हाइट, तुम ज्यादा डायलॉग मत मारो। ओके मैं तो मार सकती हूँ, सुनो। चाहे जो हो, स्कॉर्पियो और लियो में दोस्ती हो ही जाएगी। देखो तुम्हारी हाँ, चुप करो। पैसे देकर इसे लेकर जाओ, मैं ऊपर लैब में रहूंगा। ये कार्ड काम का नहीं, ऐसा मत समझना। कहीं भी चोरी करने के बाद इसे वहाँ फेंक कर चला जाऊंगा, याद रखना। मेरी आईडी गई तो इसकी पार्किंग भी गई। क्या हुआ, ये भी मेरी गलती है क्या? माँ ने कहा था कि आज मुझे लकी गर्ल मिलेगी तो सोचा शायद तुम ही होगी। तुम्हारी शक्ल ही अनलकी है, तो लकी गर्ल मिल भी जाए तो क्या फायदा। जाना है पका मच्छा लेकर। अबे घोचू, तुझे पार्किंग मिली है, प्रियंका चोपड़ा नहीं। चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, लियो वाले स्कॉर्पियो के लिए लकी ही है। All of you, submit your record. अरे रुक यार, भीड़ में घुसना जरूरी है क्या? बाद में चलते हैं ना। ठीक है, सही बात। चल चेक कर ले, ये पॉइंट तो दिखा है ना तुम। ये मुंह खोलकर क्यों मर गया? शायद खाने की ख्वाहिश होगी। लैब में चॉकलेट किस लिए यार, खानी और क्या? ये देखना, रंजीत ने प्रोफेसर का कार्टून बनाया। एक तुम्हारी तरफ से डालू, रुको। अबे गधे, चॉकलेट वेस्ट मत कर। यू शट अप, क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ? तुम लोगों ने रिकॉर्ड कंप्लीट किए भी हैं या नहीं? चलो निकालो रिकॉर्ड्स, दिखाओ। अपना रिकॉर्ड दिखा ना, तू दिखा। रिकॉर्ड दिखाओ, तुमसे कह रहा हूँ मैं। हमारे भगवान पर हाथ उठा रहे हो? तो इसे अपना भगवान बोलता है? तेरी बीवी पे बुरी नजर डाले तो भी भगवान बोलेगा? इसमें तेरे बाबा के वीडियोस हैं, देख ले। इसे घसीट कर ले जाने के लिए बटालियन आ रही है,
अगर इसका कोई प्यारा भक्त हो तो इसके साथ चल सकता है। अगर बच्चा ना पैदा हो तो डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट पे भरोसा करो, ऐसे ढोंगी बाबाओं पर नहीं। कमिश्नर साहब को फोन आया था सर। अर्जेंट है? अर्जेंट है सर। फिलहाल इसे तो संभाल लो, कल जाके उनसे मिलता हूँ। हेलो, अरे वीरा तू कहाँ है यार? रूम पे जल्दी आ जाओ, बहुत काम है। ठीक है। ओ भाई, लास्ट एग्जाम भी हो गया, तुम्हारी कार भी एक्सीडेंट से बच गई, तुम्हें पसंद आई गर्ल तुम्हारी लकी गर्ल बन गई। और कौन सी वजह चाहिए तुम्हें? किस लिए बे? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं, परसों ही तो बोतल पर बोतल पी थी ना तुमने। भाई सॉरी, गलती हो गई। 48 घंटे हो गए यार, प्लीज यार टाइम वेस्ट मत कर, प्लीज प्लीज, सिर्फ एक 90 प्लीज प्लीज प्लीज, ये आखिरी है, उसके बाद नहीं पियेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ले, कुछ मिले तो एंजॉय करना। बोले भाई ATM। वैसे इस कार्ड का तुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, कैश नहीं है क्या? 2000 होंगे ये याद है, लेकिन कार्ड काम नहीं कर रहा, चेकबुक भी नहीं है, बैंक जाने की उम्मीद भी नहीं है। चाहे जो भी हो, कोशिश करना मानव धर्म है, अपनी महबूबा के लिए तो करना ही होगा। चलो चलते हैं। और कितना देर लगेगा भाई, खड़े खड़े पैर दर्द होने लगे। अरे पीछे चलो, पीछे चलो, अंदर लोग हैं ना, चलो लाइन में खड़े रहो, नंबर आएगा चले जाना। पैसे चाहे निकले या ना निकले, लेकिन ATM में इसी फैसिलिटी मस्त है यार। यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है? मुझे तो लगता है अंदर कोई बड़ा फिल्म स्टार आया है जिसे देखने लोग खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं मैडम, दो लोग अंदर गए, उन्हें आधा घंटा हो चुका है, ना वो खुद बाहर आ रहे हैं ना किसी को अंदर जाने दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं, ये तो टू मच है। हेलो, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? द मनी इज इन द ATM बट कार्ड इज नॉट वर्किंग इन द ATM, इफ यू कैन जस्ट हेल्प अस आउट। It's already cleaned. पिन नंबर? पिन बता। 26 27। अमाउंट? 2000 फॉर फुल बॉटल, नॉट डेली, ओनली ओकेजनली। हैप्पी आस बंद हो जाए। సరిపోవు కోటి కనులైనా సరిపోవు లక్షయదలైనా నేను దర్శించి దరి చేరి వలచెందుకు సరిపోవు భాషలెన్నైనా సరిపోవు మాటలెన్నైనా నేను వర్ణించి ఒకసారి పిలిచెందుకు చాలదుగా ఎంతైనా సమయం ఆగదుగా నీతో ఈ పయణం కళ్ళనే చేరి గుండెలో దూరి శ్వాసల మారినావే స్వాతి చినుకైనాలో దూకా వేగంగాను స్వాతి ముత్యం లాగా మారావే చిత్రంగా స్వాతి చినుకైనాలో దూకా వేగంగాను స్వాతి ముత్యం లాగా మారావే చిత్రంగా సరిపోవు కోటి కనులైనా సరిపోవు లక్షయదలైనా నేను దర్శించి దరి చేరి వలచెందుకు రే కార్తీక్ గా ఫస్ట్ బాల్ అవుట్ చూసుకో ఇవే ఫస్ట్ నో బాల్ ఎందుకో ఈయడం మనసుకు తెలిసిన మాట పలకదు పెదవుల జంట ఎదురుగా నువ్వు రాగానే నాకేదో అవుతోందట కనుల ముందు నువ్వు నించున్నానే కళ్ళు మూసి కలగంటున్నా అందులోనే తేలిపోతూ నీడలాగా నీతో ఉన్నా స్వాతి
సరిపోవు కోటి కనులైనా సరిపోవు లక్ష ఎదలైనా నేను దర్శించి దరి చేరి వలచెందుకు చాలదుగా ఎంతైనా సమయం ఆగదుగా నీతో ఈ పయణం కళ్ళనే చేరి గుండెలో తూరి శ్వాసల మారినావే मिस्टर पृथ्वीराज कमिश्नर साहब हाँ। वो वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में है लेकिन मीटिंग चल रही है सर। ये दक्षिण गोदावरी जिले का एक विशाल भैरव मंदिर है। इस समय मंदिर बहुत चर्चा में है। पिछले 7 दिनों से इस मंदिर में कुछ घटनाएं हो रही हैं जो कि यस सर। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सहदेव, हमारा 11 बजे का अपॉइंटमेंट था। ओह यस 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 सर, प्लीज 5 मिनट बैठेंगे, आई विल जस्ट फिनिश दिस मीटिंग, प्लीज सिट डाउन, थैंक्स। तो अब बात यह है कि पिछले 7 दिनों से हर रोज एक कुत्ता सुबह सुबह आकर ध्वज स्तंभ को देखकर परिक्रमा करके चला जाता है, और ये नजारा देखने के लिए आसपास के गांव के लोग वहां लगातार आ रहे हैं, और ये बात इतनी तेजी से फैली है कि वहां पर हुजूम उमड़ पड़ा है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली वहां भक्ति शुरू हो गई है, और आई होप दोबारा उस मंदिर का खोया वैभव वापस आ सकता है। ऐसे समय में इस बात पर कुछ लोग एथिस्ट मतलब नास्तिक लोग कह रहे हैं कि वो सर्कलिंग डिजीज का शिकार है। मास हिस्टीरिया बताकर वो बेकार की बातों का प्रचार कर रहे हैं। मीडिया से मैं कहना चाहूंगा कि वो भगवान पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनका उपहास बिल्कुल ना करें। दैट्स माय पॉइंट। सो इस मंदिर के बारे में किसी भी तरह की ऐसी न्यूज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो पेपर हो या कोई और मीडियम, बस इतना ध्यान रखें कि विश्वास करने वालों के दिलों को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि अगर उसकी मान्यता बनी रही तो उस मंदिर के आसपास के गांव खुशहाल रहेंगे। That's it. Let's dismiss. Okay, sir. Please be on this work. Sure, sir. Sorry, आपको ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा। It's okay. कहिए। वो क्या है कि सर प्रसाद है। कहाँ का है? वैष्णो देवी का। हाँ सर आप बताइए सर। हमारे ऑफिस में काम करने वाले शंकर की फाइल, अभी हाल ही में इनकी मौत हुई है। इनका रेसिडेंस मेरे थाने में आता है। केस क्लोजिंग के लिए आपके सिग्नेचर चाहिए। ये स्नेक बाइट ही है लेकिन एक्सीडेंटल नहीं है सर। तो फिर क्या मर्डर था? नो, अ डेथ। It is directly related to God. आखिर indirectly आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। शंकर 5 सालों से हमारे धर्मार्थ विभाग में काम कर रहे थे। बहुत ही enthusiastic person थे। वो endowment department में एक आर्टिकल राइटर थे और उनके आर्टिकल्स काफी मैगजीन्स में भी आए थे। चाहे कोई भी बात हो उसकी तह तक जाने के बाद ही वो फैसला लेते थे। 2 months back he asked for a long leave. लेकिन बाद में पता चला कि वो सुब्रमण्यमपुरम गए थे, मतलब खुद मौत के मुंह में गए थे। उस गांव में जाने का मतलब मौत के मुंह में जाना, यही डाउट कर रहे हैं ना आप? उस गांव में सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है। उस मंदिर को रिसेंटली कुछ जरूरी कारणों की वजह से बंद कर दिया गया था, और तब से ही उस मंदिर को खोलने का सोचने वाले या ऐसी कोशिश करने वाले लोग मरते चले आ रहे हैं, ज्यादातर सांप के काटने से। शंकर भी यही जानने गया था, लेकिन अफसोस। अभी कुछ कहानी बची है तो कांस्टेबल को बता दीजिएगा, मुझे सिर्फ साइन चाहिए, काम है प्लीज। आप इसे माने इसलिए नहीं बताया, सिर्फ जानकारी के लिए बताया। भाभी इसे भी रख दो ना। इस कोर्स के लिए मेडिकल कैंप कंपलसरी है क्या कार्तिक? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, वॉलंटरी के लिए जा रहे हैं। जहां पर भी मेडिकल फैसिलिटीज कम होती है ना, वहां वहां पर हमें ग्रुप में भेजा जाता है। कंपलसरी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स समथिंग लाइक सोशल सर्विस, एंड हमारे लिए एक्सपीरियंस भी है। ये क्या माँ, तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं किसी अंतरिक्ष यात्रा या फिर युद्ध पर जा रहा हूँ। हाँ क्या माँ, आओ
मेरे साथ हो। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्यों घबरा रही हूँ पता है? इतने दिनों के लिए तुमसे कभी अलग नहीं रही ना, तुम बहुत दूर जा रहे हो ना, इसीलिए। माँ चाहे कितने भी दूर जाऊँ हाथ में फोन तो है, वहाँ पहुँचने के लिए गाड़ी है, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? कार्तिक तुम जा कहाँ रहे हो? सुब्रमण्यम पुरम। बाकियों को चाहे किसी भी गांव भेज दो, लेकिन उस कार्तिक और उसके साथियों को सिर्फ सुब्रमण्यम पुरम ही भेजना। लेकिन उन सबको आप उसी गांव में क्यों भेजना चाहते हैं सर? उस कार्तिक की क्यूरियोसिटी की वजह से, और सीधी बात जानना चाहते हो तो उसकी चर्बी की वजह से। उसका उस गांव में जाना तो होगा लेकिन वापस आना नहीं होगा। परसों ही अपने शास्त्री जी अपने साथ तुम्हारी कुंडली भी लेकर आए थे, तुम्हें सर्प दोष है ये बताया। जगह पर गाड़ी रोकी है कार्तिक, मजा आ गया इस लोकेशन पर। वैसे रुका क्यों? वाओ। अब ए गधे बंद करिए सब। अरे बाप रे खाइए, यहाँ डर लगता है, उस तरफ चल। लड़कों को छेड़ती है, शर्म नहीं आती? तू शुरू कर भाई, तुझे जितने फोटोज चाहिए उतने खींच ले, चल। ओके सुपर्ब। ओए कार्तिक, ओए कार्तिक, एंट्री में ही इस पागल ने शॉक दे दिया। अरे तो इसमें इतना डरने की क्या बात है, पागल लोग तो ऐसी ही हरकतें करते हैं। अब हम आ गए ना, देख लेंगे। खाता खोल ले। अब आइए आइए, सुबह से आप ही की राह देख रहा था। वैसे मैं हूँ राज, नाम तो सुना ही होगा। पिछले चार इलेक्शन से इस गांव का कल्याण मैं ही कर रहा हूँ, वन एंड ओनली राज। ओह ग्रेट, तो इन्हें देख कर पता चलता है। ए, क्या बके जा रहे तू? ये सारा सामान उतारना, चल। हमारे रुकने का क्या प्रोग्राम है? गजोधर जरा चश्मा पकड़। पूरे गांव में घूम लीजिए, जो जगह जिसे पसंद आए बिना संकोच के वहीं रह जाइए, पूरा गांव आपका है सर। अलग अलग नहीं जी, यहाँ हम सबको साथ में रहना है। सभी लोग साथ में रुक पाए, इतना बड़ा घर यहाँ पे है ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा, हम सभी को एक ही जगह पर रुकना है। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स की एक ही जगह मिक्सिंग है। हे, हु इज दिस शॉर्ट फेलो? अच्छा ये हमारे यहाँ ताबीज बेचता है। ताबीज दुख है, पीड़ा है, या काटा किसी को फिल्मी कीड़ा है, ले जाओ इसकी ताबीज, ये है कमाल की चीज। काम तो करेगा ना। वैसे हम रुकेंगे कहाँ पर? अब आप सभी लोगों को एक साथ रुकना है तो हाँ, एक जगह है, धर्मात्मा का बंगला। ये लोग ऐसे क्यों रिएक्ट हुए? वहां पर कोई भूत वूत है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस एक साल से उस बंगले में कोई रहा नहीं, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको कोई आपत्ति है क्या? अरे भाई मुझे क्यों आपत्ति होगी? तो फिर किसी को वहां भिजवाकर सफाई करवा दीजिए। वहां कोई नहीं जाएगा। चाबियां दीजिए।
सेक्सी। ये कोई आइटम है जो इसे सेक्सी बोल रहा है? भूत बंगला लग रहा है ये तो। ऐसी जगह पर रहने से लाइफ इंटरेस्टिंग लगती है। हम सब जिंदा रहे तो ना लाइफ इंटरेस्टिंग लगती है। अगर मन है तो मेरे साथ रहो, डर लग रहा हो तो गांव में जाकर रहो। ए, जिसमें जिगर होगा वही यहाँ रुकेगा। भाई जिगर कहीं और दिखा दूंगा, मैं जा रहा हूँ। ए, तो अभी तक यहीं खड़ा है? अब रहकर मरना पड़ेगा ना। पता नहीं इस घर को साफ करने में कितना टाइम जाएगा। मेरे लिए तो बस एक घंटा। तुम कुमकुम वाले? नो, ताबीज वाला हूँ। कोई तैयार नहीं था तो तू क्यों आया? कोई नहीं आएगा इसलिए तो आया हूँ। अब चला ही गया है तो हमारे साथ ही रहना। एक बात बता, उस समय में इतना बड़ा बंगला कैसे बनाया होगा? और यहाँ रहने वाला कोई आरा गहरा नहीं होगा। अरे बापरे, खिड़कियां भी दरवाजे जितनी बड़ी लग रही है यार। सुनना, ये बंगला जब दिन में इतना डरावना और भयानक लग रहा है तो रात में कैसा लगेगा? अरे बाप रे, डर लग रहा है। भाई 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 कार्तिक कार्तिक, कहाँ चला गया रे? बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। ये तो मेरी तरह लग रहा है। डराती क्यों है रे तू? एक दूंगा घुमा के। चल अब चल। अंदर बहुत डरावना है यार। अच्छा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। अब क्या करें, यही रहना पड़ेगा। कैसे कमरे हैं यार, सारे के सारे भूतिया फिल्म के सेट लग रहे हैं। डरा मत भाई, वैसे ही हालत खराब है मेरी। देख सड़क पर ड्राइंग बनाकर चिल्ड्रन मांगते हैं ना, लगता है वैसा ही कोई यहाँ रहकर गया है। वाओ सिली, वो कोई ड्राइंग नहीं है, वहाँ लाश थी। ओए, तो उसकी रंगोली क्यों बनाकर रखा है? साफ कर इसे। हाँ करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मोहन है। हाँ बोलो। मैं मारे गए ईडी एम्प्लॉय शंकर का दोस्त हूँ। हाँ तो कहते हैं मेरे दोस्त की मौत सांप के काटने से हुई थी। केस कब का बंद हो चुका है, अब क्या? शंकर ने मरने से दो मिनट पहले मुझे फोन किया था। हाँ तो उसने बताया था वो सुब्रमण्यमपुरम में है और उस गाँव में वो किसी बंद पड़े मंदिर पर एक किताब लिख रहा था। अचानक फोन पर मैंने उसके चीखने की आवाज सुनी और कॉल कट हो गया। फिर शंकर के मरने की खबर मिली। और कुछ कहना है? शंकर ने जो किताब लिखी थी वो अगर आप उसे पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कोई क्लू मिल जाए। वो किताब तुम्हारे पास है क्या? नहीं सर, शंकर के मरने के बाद उसकी बीवी अपने मायके चली गई, उसी के पास वो किताब है। कहाँ पर? नासिक। यार मैं कहां जंगल में आके फंस गया। ए, तुम कुछ काम के लगते हो यार, जब तक कैंप रहेगा यहीं रहना। एक स्माइली फेस दो। ओ, नाइस स्माइल। अच्छा सुन, उस बंगले से तो अच्छा मुझे ये मेडिकल कैंप लग रहा है। मैं तो कहता हूँ रात यहीं सो जाएंगे हम।
ये लीजिए। ये लो, ए, एक और दे। ये गांव, कैंप एरिया, वातावरण सुपर्ब लग रहा है यार, लेकिन कुछ तो कमी है। वाणी की ना? या उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, मुस्कुराते समय उसके दांतों की चमक। खुद ही क्लीन करती होगी ना, डेंटल डॉक्टर जो है। मुंह बनकर, वही उसकी खूबसूरती है। उसकी बहुत याद आ रही है यार। जिसे आप इतने दिल से याद कर रहे हो ना, मुझे पता है वो कहीं आपके आसपास ही है। वो लड़की इस वक्त हैदराबाद में है और हैदराबाद यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, हमेशा खुश रहो। तुम्हारा काम हो गया ना अभी, चलो अपना रास्ता ना बो, चलो चलो। ए, कैसे कैसे लोगों को एनकरेज करता है यार। मैंने उसकी बातें सुनकर नहीं दी, उसकी उम्र देख कर दी। और एक चाय पिएगा? ए मुन्ना, दो चाय दे। वाणी, सपने देख रहा है। अबे वो वाणी है यार। अरे तेरा भ्रम है। ओए, अगर सपना नहीं भी है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर सोच, वो यहाँ कैसे हो सकती है यार। अरे वो वाणी। माँ का फोन। हाँ माँ, कुछ अर्जेंट है क्या? अरे बेटा, गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? वो तेरी भाभी माँ बनने वाली है। वाओ, एक बार भाभी को फोन तो दो। ये ले, बात कर उससे। हाँ बोलो कार्तिक। भाभी, क्या सुपर न्यूज दी है। एक घंटे में तुम्हें फोन करके मैं भी एक सुपर न्यूज देता हूँ। ओके ओके ओके। या ए, गुड न्यूज मिली है तो वो कन्फर्म वाणी ही है। उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, गियर बदल। अरे पीछे ट्रैफिक जैम लगा है। मेरी बात मान, उसे भूल जा यार, वो नहीं होगी यहाँ का। देना, चल बैठ, चल। अरे क्या कर रहा है? चलो भगा। जा देखना। ठीक है, देख जा। दिखाई दी क्या? पूरे बस में ढूंढ लिया यार, वो मुझे नहीं दिखाई दी। अरे भाई, वो दुकान के पास जो चाय पी रहा है ना, उसे जाकर पूछते हैं। भाई, इस बस से उतरने वाले लोग कहाँ गए होंगे? मेरा मतलब, ये बस फिर से कभी स्टार्ट होगी? जब तक पूरी भर नहीं जाती। मतलब जब तक हाउसफुल नहीं होगी तब तक चलने वाली नहीं है। चाय बोलना। चाय क्या है, दो सिगरेट दो ना काका। बीड़ी है। चलो ठीक है। डेयरी मिल्क है क्या? ये है ना। दूध का पैक? चॉकलेट, चॉकलेट वो नहीं है, पेपरमेंट है। दो माचिस दो। तेरी क्या मुसीबत है। हैदराबाद से इतनी दूर तुम मेरे लिए आए हो? अरे नहीं नहीं, हम तो नजदीक के गांव से ही आए हैं। मेरा मतलब हैदराबाद से आए। तुम कैंप पे आए हो? हाँ। मेरी हिम्मत मानी गई थी जो मैंने इस कैंप के लिए जिद की, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कैंप? तुमने जानबूझकर इसके लिए नाम लिखवाया था ना? नो। वाह, आपके सवालों ने हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, थैंक्स। क्यों भाई, हम दोनों का कैंप एक ही गांव में लगना, इसे किस्मत का खेल ही कह सकते हैं ना? कलयुग है ना भाई। कोई किस्मत की बात नहीं है, ये मेरा गांव है। ओ, नेगेटिव प्लेस है ना। स्टार्ट करना। वाणी, क्या है? तुम मुझे हमेशा गुस्से से क्यों देखती हो? क्योंकि प्यार से देखना नहीं चाहती, प्लीज। तुम्हारी नाराजगी तो ठीक है, लेकिन जिस दिन से तुम्हें देखा है तुम मुझे भाग गई हो। उसके बाद जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुई, वो हालात तुम्हें नहीं पता। वाणी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। आई टोल्ड यू, यू आर माय परफेक्ट मैच। शट अप।
ओए, तू लवर बॉय की इमेज में जाकर अपनी स्ट्रेंथ भूल रहा है। जैसे अंदर बहुत स्ट्रेंथ छुपे हैं। यस, कॉमेडी की स्ट्रेंथ। आर यू श्योर? 100% श्योर। ओए, कॉमेडी करने से लड़कियां फट से पट जाती है। तो फिर संता बंता की जोक सुनाओ। वही तो ना, सिचुएशन के बिना कॉमेडी बनाएगा तो तू मजाक बन जाएगा। कॉमेडी को मजेदार बनाने के लिए एक बेवकूफ बकरे की जरूरत पड़ती है। मेरी तरफ मत देख, किसी और को ढूंढ। अपनी आंखें खोल और अपने आसपास देख। जिस इंसान को ढूंढ रहे हो ना, वो टिपिकल इंडियन होना चाहिए। Yes, this is the man. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। सुन यार, जरा उस गंवार इंसान को तो देखना। ऐसे लग रहा है जैसे थैले में पंचांग रखकर सारे संसार का भविष्य वो खुद जानता हो। कैसे लोग होते हैं। अपनी धोती तो संभाल नहीं पा रहा है, दूसरों का भविष्य क्या बताएगा। भाई, तुम्हारी ऐसी कॉमेडी पर तो कोई भी पढ़ सकती है। अब देख मैं उसे कैसे झटका देता हूँ। पंडित जी, मास्टर जरा यहाँ आइए। कौन, मैं? हाँ, आपको ही। आइए प्लीज। जरा देख तो बुड्ढा कितना खुश हो रहा है। देख रहा। नमस्ते। पापा यही बैठ जाइए। वो बच्चा मुझे बुला रहा था बेटी। आपको बस बस में बैठने के लिए ही बुलाया था। गाड़ी बंद हो गई। रोका। मेरी स्ट्रेंथ क्या है बेटा? कॉमेडी। कॉमेडी। मेरी और स्ट्रेंथ पता है तुझे? एक्शन। जितना मैं समझ रहा था ये केस उतना इजी नहीं है। अंदर क्या हुआ था सर? इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। आइए सर। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। ले जाओ इस बंद उस किताब को, हमारे घर में लगा ग्रहण हट जाएगा। ये उनकी माँ है, उनकी इस हालत की वजह ये किताब है और इस गांव के लोग। उनकी इस हरकत के लिए मैं माफी मांगती हूँ। सच तो ये है कि उन्होंने इस किताब को बड़ी ही मेहनत से लिखा था। अगर ये किताब आपके कुछ काम आती है तो उससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी। इसे ले जाइए। ले जाता हूँ। जरा ख्याल रखिएगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा इस किताब को। मैंने आपको किताब का ख्याल रखने के लिए नहीं कहा, आपको कहा। गाड़ी निकालो। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पेट से है, 3 महीने से। ओह अच्छा, आइए ना बैठिए। मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट है। ये देखो, चाहे वोमिटिंग कितनी भी हो लेकिन खाना टाइम पर खाते रहना, क्योंकि तुम अभी जितना खाओगी फ्यूचर में बेबी उतना ही अच्छा रहेगा। बाबूजी, हम पैदा कराने नहीं आए हैं, मुसीबत को खत्म करने आए हैं। अरे शहर का डॉक्टर स्कैन का 5,000 लिया और बताया कि लड़की है, गिराने के लिए 10,000 मांग रहा है। यहाँ तो फ्री है ना, इसीलिए आया हूँ। क्यों बहन, तुम्हें कोई ऐतराज है? ये गवार औरत क्या बोलेगी, आप गिरा दो। गिरा दो मत कहो, गिराने के लिए ये कोई सामान नहीं है, जान है, वो भी एक लड़की है। लड़की है इसीलिए तो गिराने को कह रहा हूँ। लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करते हो? लड़कों की तुलना में लड़कियों में क्या कमी है? अगर अच्छी तरह से पढ़ाओगे तो भविष्य संवारने वाली लड़कियां ही होती हैं, समझे? हमारी परेशानी आप क्या समझोगे? अगर तुम्हें इतनी परेशानी है ना तो पैदा करना नहीं, साथ सोना छोड़ दो। ओए डॉक्टर, ओए, एक फोन कॉल ही काफी है तुझे और उस शहर के डॉक्टर को जेल में डालकर सड़ाने के लिए। जिंदगी भर जेल में ही पड़े रहना। करो फोन, करो। देखो बहन, इस गधे के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है अपने पैदा होने वाले बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी बिताओ। आज लड़कियां बस, कॉलेज, गलियों में सेफ नहीं है। अगर वो माँ के गर्भ में भी सेफ ना रहे तो कैसे होगा बहन? ये सुधर गया तो ठीक, वरना छोड़ देना, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत से ज्यादा बच्ची को तुम्हारी जरूरत होगी। जाओ तुम, ये भी ले दीजिए। बेवकूफ इंसान। इस सीन से दोनों का काम हो गया। दोनों का? हाँ, एक तो उसका, हाँ,
और दूसरा वहां देखो है? I love you.
पूरा दक्षिण भारत एक समय द्रविड़ों का राज्य हुआ करता था। राज्य पर शासन करने वाले इसी प्रांत में रहा करते थे। तब के राजा कीर्ति वर्मा ने सुब्रमण्यम स्वामी के लिए उस समय एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात को चांद के निकलने के कुछ समय बाद मंदिर से रोशनी की तेज किरणें निकली। सभी गांववासी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें लगा कि साक्षात सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं अवतरित हुए हैं। ऐसा मानकर उस दिन से 21 दिनों तक वहां मेला लगाया जाता रहा और 21वें दिन सुब्रमण्यम षष्ठी पर भव्य पूजा करके मेला खत्म किया जाता था। इस तरह प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा की रात रोशनी का आना और षष्ठी तक मेला लगना एक परंपरा बन गई। राजा बदले, राज्य भी बदले। न जाने कितने मुगल, डच, पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स ने वहां हमला किया, लेकिन मंदिर के संरक्षकों ने प्रतिवर्ष षष्ठी के दिन पूजा का विधान जारी रखा। मंदिर के अनुयायियों के ठहरने के लिए इस गांव में एक छोटा सा बंगला भी बनवाया गया। समय बदलता गया और मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। मंदिर में आ रहे दान और चढ़ावे को देखकर मंदिर को एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर लिया और ऐसा पिछली बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को हुआ। क्या है? सॉरी सर, एक इमरजेंसी केस है। आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था इसलिए। इस बात की जड़ तक पहुंचना है तो उसी गांव में जाना होगा। डिस्टर्ब मत करो कार्तिक, एक बार कहा समझ में नहीं आया? ऐसा क्यों बोल रही हो वाणी? तो और क्या करूं? तुम मुझसे प्यार करते हो ये तुम्हारी फीलिंग है, मुझे तुम पसंद नहीं हो ये मेरी फीलिंग है। तो उस दिन तुमने मुझे देखा सुपर अमेजिंग ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे किए अच्छे काम की बड़ाई की थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी जगह पर इस गधे के लिए भी वही रिएक्शन होता। तू ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कर, ओके? वाणी वन सेकंड, कास्ट की प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे लिए मैंने चिकन खाना भी छोड़ दिया है। मेरा रास्ता छोड़ोगे प्लीज? वाणी, कांट यू गिव मी अ चांस? हिंदी नहीं आती? अरे क्या हुआ यार? उसने ऐसा ऐसा किया तो मुझे लगा ऊपर वाला मेहरबान हुआ, लेकिन जब इसने जाकर पूछा तो असलियत का पता चल गया। तूने कहा था वो तैयार है, अब नौटंकी करता है। ए, तू पैक बना बे। अबे ओए ओए ओए, शांति से एक पैक पीकर सोने की सोच रहा था। आप कहाँ जा रहे? दारू लेने। अरे टाइम का तो थोड़ा ख्याल रख। हम डॉक्टर्स हैं ना, दिन में दारू पियेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आधे समय बिरयानी ले आना। अरे आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। अरे क्या था? कौन है ये? ये तो ताबीज वाला है रे। इधर आबे। इस समय यहाँ क्या कर रहा? क्यों अंदर नहीं है क्या? हम लोग को खुले में अच्छा लगता है। तेरी तो अंदर क्यों नहीं जाता? यहाँ पे दारू कहाँ मिलेगी? हमारे गांव में तो मुश्किल है। तो फिर पड़ोस के गांव में चलते हैं, वहाँ जाना तो और भी मुश्किल है। साहब गाड़ी रुको ना। क्या हुआ? दो नंबर जाना है। रुक जाना थोड़ी देर, पेट ऊपर नीचे हो रहा था इसलिए दो नंबर लग गई। चल चल फटाफट। थैंक्स। अरे जा रहा है। अरे सुनना, उसे तो बड़ा मुझे ये ब्रिज लग रहा है। जल्दी आना भाई। वो उधर ब्रिज पर क्यों चढ़ रहा है? कहीं उस पर चढ़कर तो नहीं करेगा गधा कहीं का? भाई तुझे भी लगी है क्या? वन वाली। जा तू चलना साथ। लगता है दारू उतर गई इसलिए डर बढ़ गया। जाके कर गया क्या यार, इतना दारू पिया सुसु नहीं आ रही है। ठीक है जाके आता हूँ।
लगता है। क्या हुआ साहब? सुना ये पुलिस सब बता है यहाँ सब कैसे हुआ? आपको जानते हैं कोई विटनेस था इस बताइए ना। पता चला आप यहाँ पर थे। सर एक ही सवाल सर, एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर, इस पुलिस ऑफिसर को आप पहले से जानते हैं? एक केस के सिलसिले में हमारे ऑफिस आए थे। उनके बिहेवियर को देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही सिंसियर ऑफिसर थे, लेकिन ये देखने के बाद सिंसियर होने के साथ साथ स्टूपिड थे ये बात अब पता चली। बात ये है कि मैं किसी से ये नहीं कहता कि भगवान है और उस पर भरोसा करो, लेकिन कुछ सीरियस ऑफेंसिव इंसिडेंट्स होने के बावजूद अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो संभल के तो रह सकते हैं, वरना होगा क्या? इसी तरह की मौतें होंगी। सो पिटी टू लूज एन एफिशिएंट ऑफिसर। बस आगे से कभी ऐसा दोबारा ना हो, उससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। आप मीडिया द्वारा इस बात की अवेयरनेस फैलाइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। मंदिर किस तरफ है? इस तरफ है सर। अब इस समस्या का समाधान निकालो स्वामी। बस बस। ऑफिसर के ब्रांच को सब कुछ भिजवा दिया है ना? सब कुछ भिजवा दिया है सर। कुछ छूटा तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन वो। लेकिन क्या? वो किताब नहीं मिल रही है सर। क्या कह रहे हो तुम? हे भगवान, न जाने इस वक्त वो किताब कहाँ होगी। पिछले साल 2013 में भी कार्तिक पूर्णिमा की रात जब रोशनी दिखाई दी, उसके ठीक 10वें दिन जब मंदिर के पुजारी यथावत पूजा कर रहे थे, तब प्रमुख पुजारी अचानक बेहोश हो गए। अरे बाप रे, इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? जो कुछ हुआ उसे देखते हुए 11 दिनों तक इस मंदिर को बंद करके रखना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है जी? आपको पता है सैकड़ों सालों से हम बिना किसी रुकावट के मंदिर के चौखट पर दीप जलाते हुए आ रहे हैं, और 10 दिन बाद सुब्रमण्यम षष्ठी भी है। आप लोग भगवान को क्यों रोक रहे हैं? भगवान हो चाहे इंसान हो, सभी के लिए रीति रिवाज एक ही होंगे ना। आप चाहे जो भी कहें, मंदिर को बंद करके दीप आराधना खंडित करना असंभव है। तो फिर जो अनर्थ होगा उसके लिए भी तैयार रहना होगा। नियम की सीमा को लांघने से क्या परिणाम आते हैं खुद देख लेना। चलो रे। 2 दिन बाद सुबह सुबह जब मंदिर खोला गया, तब एक प्रेमी जोड़ा सांप के काटने से मरा हुआ था। रात के समय मंदिर में कई लोगों के चिल्लाने और चीखने की आवाजें आती रही। मंदिर के बारे में धीरे धीरे लोगों में डर बढ़ता चला गया और लोगों ने वहां आना बंद कर दिया। मुख्य तौर पर शाम के समय बस मंदिर में स्वामी जी ही जाकर दीपक जलाते थे, और एक दिन जब वो शाम को मंदिर में दीप जला रहे थे तब। मेरी बातें किसी ने मानी नहीं ना? एक तरह से इन सारी मौतों के जिम्मेदार आप हैं। मंदिर में अगर भगवान होते तो इतना अन्याय, इतनी मौतें होती क्या? बस अनर्थ हुआ है। गांव गांव में डर फैलता जा रहा है। मंदिर की सारी प्रसिद्धि इसीलिए खाक में मिल चुकी है। मैं अपने अनुभव से ही कह रहा हूं, इस मंदिर में भगवान नहीं है। बिना भगवान के मंदिर को खोल के रखना हमारे लिए ही नहीं, इस पूरे गांव के लिए खतरा है। तो फिर मंदिर को बंद करना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सैकड़ों सालों से हम लोग इस मंदिर को पूजते आए हैं, और अब इस मंदिर को हमेशा के लिए कैसे बंद कर दें? हमेशा के लिए बंद करना ही होगा शास्त्री जी। अगर सच में वो सुब्रमण्यम स्वामी
हमारे या गांव के लिए दया भाव से वापस आए तो अगले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की रात को जरूर उस रोशनी के रूप में दिखाई देंगे। बस उस दिन के बाद से हम विधिवत तरीके से पूजा करके षष्ठी कार्यक्रमों को खुशी के साथ मना सकते हैं। और अगर रोशनी नहीं आई तो सोचना क्या, हमेशा के लिए मंदिर बंद करना होगा बस। हे भगवान, अशुभ बातें मत कीजिए, मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। यहाँ सभी के मन में ऐसा ही है शास्त्री जी, मन मान नहीं रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा ना। मंदिर को बंद कर दो। मंदिर को बंद करने के 2 ही महीने बाद लोग मंदिर की बातों को भूल गए, लेकिन इस बात को उजागर करने के लिए एक दिन गांव में एक टीवी चैनल वालों ने आकर मंदिर की बात को जानने की कोशिश की, पर वो भी एक एक्सीडेंट में मारे गए। इस बात से लोगों का डर और बढ़ गया, क्योंकि इन मौतों के पीछे जो कारण था। इसमें क्या है पता है? आपने पढ़ी है ना? मतलब ये सब सच है क्या? अगर ये सब सच है तो मौत की असली वजह क्या थी वो भी लिखा होता ना? ये मौत ये सब इस किताब की वजह से। प्लीज यार, तुझे तो मेरी आदत पता है ना? पता है यार, तुम्हें एक सवाल का जवाब ना मिले तो रात को नींद नहीं आती। ऐसे में इतने सारे सवाल है, तुझे तो खाना भी नहीं उतरेगा। लेकिन नींद या खाने से जरूरी हमारी जान होती है ना। ये गांव के लोग हैं, भरोसा करते हैं। हम साइंस स्टूडेंट्स हैं यार, हम भी भरोसा करेंगे तो। तू नहीं मानेगा, आप साइंस वाइंस पढ़ते हो तो सबको पता है, लेकिन काटने वाले सांप को थोड़ी पता है। क्या कहा तूने, सांप? वो कपड़े, वन मिनट मैं आता हूँ। एक छोटा सा डाउट है, शहर के तुम्हारे ड्रेसिंग में और यहाँ की ड्रेसिंग में इतना अंतर क्यों है? तुम दारू पीते हो क्या? चेहरा देख के ही समझ में आता है कि जरूर पीते हो। तुम माँ के सामने पीते हो? छी 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 छी, चांस ही नहीं है, है ना? ये भी वैसा ही है, वो शहर था वहाँ कोई नहीं था, यहाँ पापा है इसलिए रेस्ट्रिक्शंस है। ओके। क्या सोच रहे हो? वाणी, तुम्हारी बातों में तो गुस्सा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारी आंखों में प्यार नजर आता है। कंफ्यूज करके कन्विंस करने की कोशिश मत करो, मेरी लाइफ मेरे हाथों में नहीं है। मेरे पापा जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी करूंगी, हम ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब तुम्हारे हाथ तुम्हारे पास है तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है? कैसी बातें करती हो तुम? ठीक है, बताया ना, अब सीधे तुम्हारे पापा से ही बात कर लूंगा। वो आएगा क्या? वो सिर्फ बोलने वाले लोगों में से है, यहाँ आने की हिम्मत नहीं है उसमें। एक्सक्यूज मी सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। ये तो सच में हो गया। बैठो। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी, एक बार बस स्टॉप पर हम। हाँ, बस में। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ कैसे? मेरा नाम कार्तिक है, आपकी बेटी के साथ मैं भी फ्री मेडिकल कैंप पर आया हूँ। बहुत खूब, आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना। वैसे आपके गांव के मंदिर का प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ, लेकिन उस मंदिर के बारे में मेरा कहना और तुम्हारा जानना दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मतलब जो लोग कहते हैं उसे आप भी मानते हैं? कुछ लोग झूठ पर सोचे बिना विश्वास करते हैं और कुछ लोग सच पर विश्वास करने के लिए सोचते हैं लेकिन विश्वास करते हैं। मतलब वो विश्वास नहीं है सर, अंधविश्वास है। विश्वास और अंधविश्वास में 2.5 अक्षर का ही अंतर है, लेकिन उस अंतर ने हमारे समाज को हजारों साल पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, गोल घूमने वाली पृथ्वी के पीछे सच क्या है सर? ये यथार्थ है या अज्ञान है कह के आप कैसे फैसला कर सकते हैं सर? खुद की रक्षा करने के लिए लोग विभूति लगा लेते हैं, लेकिन राख को सर पर लगा लेने से खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं सर? तुम्हारे पूछे गए हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन उसे समझने के लिए ना तो तुम्हारे पास अनुभव है और ना ही तुम्हारी उम्र। ओके सर, बात यह है कि मैं वाणी से प्यार करता हूँ। मैंने उसे ये बात पूछी तो उसने मुझे आपसे बात करने को। दरअसल वो क्या है ना पापा,
तुम बोलो। थैंक यू सर। एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, मैं वाणी को हैदराबाद से ही पसंद करने लगा था और हिम्मत जुटाकर मैंने प्रपोज भी कर दिया था। मैं जानता हूँ कि अगर आप हाँ नहीं करोगे तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखो बेटा, तुमने बात साफ साफ कह दी, अच्छा लगा मुझे। मैं इस गांव में सभी की कुंडलियां देखकर मुहूर्त बताता हूँ और इसीलिए मेरी इकलौती बेटी की शादी कब होगी, कहाँ होगी, इसकी जानकारी मुझे भी है। कुंडली देखकर उसका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा ये तो बता सकता हूँ, शायद तुम समझ गए होगे। ओके सर, मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मुझे ये समझ में आ गया। थैंक यू मणि, कॉफी बहुत अच्छी थी। कार्तिक कहाँ है? नहीं पता। इस काले को पूछता हूँ। ए कार्तिक को देखा क्या? नहीं देखा यार। इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया ये? भगवान, तुम्हारी कहानी में मैं एंटर कर रहा हूं। अच्छा तो लग रहा हूँ मैं। क्या हुआ यार, क्या हुआ बताना, क्या हुआ? सांप डराओ ना, सांप यहाँ पे। कहाँ पे? मैंने बोला था ना सांप को कुछ नहीं पता। तू अपना मुंह बंद कर, इसे देखकर क्या सीखा तूने बाहर पेशाब करना? मैंने यही देखा था। इसे अंदर लेकर आओ, चले चल अंदर, चल चल, सांप सांप करता है, चल। मेरा भरोसा करो यार प्लीज। क्या अंदर चल। ये सब तेरा भ्रम था, चल जाके सो जा। नहीं यार, बहुत बड़ा सांप था। एक बात बता, जब तुझे पता है तू इतना डरता है तो ऐसी फिल्में क्यों देखता है? मैंने देखा था यार, सच में देखा था, मैंने देखा था, सच में देखा था, तूने भी देखा था। मुंह बंद कर और जाके सो जा, जा जा। अरे ओ बिजली विभाग, अरे क्या हुआ? अरे जल्दी कर रहा, करता हूँ ना। ये आजकल के लड़के अपने आप को समझते क्या? ए बाबू इधर तो आना, यहाँ आओ। पकड़ी सर। ये बुड्ढे यहाँ क्यों आए? इलाज करवाने आए क्या? बीमार तो नहीं लग रहे? ये बताओ, मंदिर की तरफ गए थे ना, मंदिर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैं तो बस कैजुअली गया था। कैजुअली? इंसान की जान तुम्हारे लिए कैजुअली है क्या? डॉक्टर हो तुम लोग, डॉक्टर, किसी की जान लेनी नहीं चाहिए बल्कि जान बचानी चाहिए। अरे ये आप क्या कह रहे हैं सर, आप तो जान जाने की बात करने लगे। उस मंदिर के बारे में मैंने सुना है, इसलिए मंदिर कैसा होगा ये देखने के लिए गया था बस। तुम भी उसे इतिहास में मिल जाओगे। अरे छोड़ो ना, क्या इसके पीछे पड़ गए हो? इसके डेयरिंग करके मंदिर में घुसने से हो सकता है हमारे लिए भी मंदिर के दरवाजे खुल जाए।
से तुम हाथ मत लगाओ, ये हमारे गांव की समस्या है। ए, गाड़ी लेकर आओ जल्दी, उठाओ उठाओ ले चलो। संभल कर, संभल के, अरे जरा संभल कर ले जा रहा हूँ, संभल के ले जा रहा हूँ। कैसे पागल लोग हैं ये। अबे ओए ताबीज, भूख लग रही है। वो इलेक्ट्रिशियन की तबीयत कैसी है? मर गया वो। मर गया? खबर मिली है कि उसके शरीर में भी सांप का जहर था। क्या? तो फिर गांव वालों ने क्या कहा? हमारे लिए नया थोड़ी है, गांव में कोई भी मंदिर के बारे में बात करता है तो उसका यही होता है। कार्तिक बाबू, आज पुलाव कुछ स्पेशल नहीं लग रहे हैं क्या? ऐसे क्या घूर रहे हो? हमारा आना पसंद नहीं आया? नहीं नहीं माँ। मेरा बाबू कैसी हो? ये क्या, कितना कमजोर हो गया है, ये क्या खिलाता नहीं है? सोना, आजा। चाचा जी। अरे माँ इतना। तू कुछ मत बोल। पुलाव में घी किस लिए? पुलाव में घी डालेंगे तब सेहत बनेगी ना। ओ, फोन पे कहा था तो मुझे मजाक लग रहा था, ये तो सच में ही ले आया। देती हूँ। कॉन्ग्रेट्स भाभी, बेबी मेरी तरह खूबसूरत होनी चाहिए। इडियट, तेरी तरह नहीं, मेरी बेटी की तरह खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक कहा ना? क्या हुआ बेटी? लगता है सोना कहीं खेलने के लिए चली गई है, मैं देख कर आती हूँ। तू रुक, मैं इन्हें भेजती हूँ। सुनिए सुनिए जी, अगर ये एक बार सो गए तो फिर उठते ही नहीं। तू रुक, मैं जाकर देखती हूँ। इसके खेलने का कोई टाइम ही नहीं है। सोना, सोना,
भाभी माँ और सोना कहाँ है? सोना को ढूंढने माँ गई है, वो शायद कहीं खेल रही है इस वक्त। ए सोना, दादी माँ कहाँ है बेटा? पता नहीं। दादी माँ कहाँ है बेटा? सोना, सोना, हे भगवान, अरे मैं इतना डरने की क्या जरूरत है? चलो चलो कार्तिक, ऊपर चलते हैं। चलो, सब लोग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत मुझ में आ गई है और तुम खुद ही डर गई माँ। पता नहीं बेटा, इस बंगले का माहौल कुछ ठीक नहीं है। छत पर सांप की मूर्ति और न जाने क्या क्या, जब से आई हूँ मन अशांत सा लगता है। वापस भेज रहे हो? सोच कर आए थे कि तुम्हारे साथ कुछ दिन रह लेंगे। आपके रहने से मेरे दोस्तों को परेशानी हो रही है माँ। हम पर पासा फेंक दिया। सुन बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कड़ा हाथ से मत उतारना, तुझे मेरी कसम। ओके माँ, बाय माँ, संभल कर जाना। सोना बाय। बाय बेटा। बाय। उदास लग रहे हो? हे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारी फैमिली को मैं पसंद नहीं आई क्या? अरे वो बात नहीं है, मेरी डैड कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है तुम्हारे अलावा। भाई, इसके दो पैक पीने से सुबह तक नशा नहीं उतरता था, लेकिन अब देखो पूरी बोतल से कुछ नहीं हुआ। पता नहीं, सब अपने अपने काम में है और हम देखो। क्या हुआ बे? कुछ भी तो नहीं, बोलूंगा तो मानोगे नहीं। तुम खेलो और तुम पीते रहो, मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे ही दिखाई पड़ता है। कालू, कालू बेटा, इतनी टेंशन में भी तू इतने आराम से कैसे सो लेता है? वो सांप मुझे नहीं काटेगा, ये मुझे पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपने बदन पे ओडोमॉस लगा लिया। ओडोमॉस? ओडोमॉस लगाने से सांप नहीं काटेगा? पागल, ये मच्छर के लिए होता है। ए, लाइट ऑफ करके सो जाओ यार।
कार्तिक, क्या तुम पर खतरनाक तरीके से अटैक इसी सांप ने किया? 100% यही है सर। इसने लड़की को भी इतने नजदीक से नहीं देखा होगा। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। बट देखने पर लगता है इट्स अ नॉर्मल रेप्टाइल। आप सब लोग अंदर आ जाइए। कार्तिक रिलैक्स। एक्चुअली प्रोफेसर, सच में वो सांप कार्तिक को मारना चाहता है? तुम भी ऐसी बातों को मानती हो वानी? मानती तो नहीं, पर सिचुएशन मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। मुझे लगा ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, ये तो असल जिंदगी में हो रहा है। जब मैं कह रहा था तब तुमने यकीन नहीं किया ना? अब कैसा लगा? अब आया ना मजा? कार्तिक, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो कार्तिक। हाँ? वो सांप तुम्हें मारने के लिए ही आया था। हाँ? उसका टारगेट तुम ही हो। व्हाट? वो तुम्हें मारे बिना नहीं रुकेगा। यहां एक और अबनॉर्मल बात यह है कि उस सांप को किसी ने हिप्नोटाइज किया हुआ है। हिप्नोटाइज? मानता हूं नहीं बात है, लेकिन यह कोई मंत्र तंत्र नहीं है, प्योर साइंस है। लेकिन क्या सांप को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है? ऑफ कोर्स, एनी लिविंग थिंग कैन बी हिप्नोटाइज्ड। किसी भी जीवित प्राणी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। मनुष्यों को हिप्नोटाइज करने के अलावा इसका एक और प्रोसेस भी है, जिसे एनिमल मैग्नेटिज्म और हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं। बीबीसी चैनल वालों का हाल ही में एक प्रोग्राम इसी मुद्दे पर आया है और यह उसी का वीडियो है। टच थेरेपी द्वारा एनिमल को ट्रांस पर ले जाने के बाद, उसके ट्रांस पर जाने के बाद सिर्फ हिप्नोटाइज करने वाले की वॉइस को ही वो फॉलो करता है। सर, ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये कोई रॉकेट साइंस या एलियन स्टफ नहीं है। हम अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं वही सब है। सिंपली अगर कहूँ तो एक वजनदार हाथी को जब ट्रक पे चढ़ाना हो तो बहुत लोगों का सहारा, क्रेन और एक पूरे दिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन वही हाथी सर्कस में छोटे से ड्रम को बैलेंस करके चलता भी है। कैसे? उसका ट्रेनर उसे ट्रांस में ले जाता है, फिर विद्याएं उसे सिखाता है और सारे काम उससे करवाता है। जनरली कुत्ते या पक्षी आग से बहुत घबराते हैं, लेकिन सर्कस में देखो, उसे फायर रिंग पर से जंप करते दिखाते हैं। मुर्गों में कोई अलग अलग जाति नहीं होती है, लेकिन मुर्गों के झगड़े में जब तक सामने वाला मुर्गा मर नहीं जाए वो दोनों लड़ते रहते हैं, क्योंकि झगड़े से पहले उसे चाहने वाला इंसान उसे सहलाता है। उसे टच थेरेपी, हिप्नोथेरेपी ही कहते हैं। ठीक वैसे ही उस सांप को भी किसी ने हिप्नोटाइज करके तुम्हारी बॉडी स्मेल सुंघाकर टारगेट बनाया है, इसीलिए वो मरते दम तक तुम्हें मारने की कोशिश करता रहेगा। कार्तिक, यही सच है। ओके सर, पिक्चर क्लियर है। अब वो कौन है, क्यों कर रहा है, ये सब मुझे जानना है। जानना है तो रिवर्स में जाना होगा। वाणी, तुम्हारे पापा गांव में ही है ना? अब भी उस मंदिर के बारे में नहीं बताऊंगा, ऐसा मत कहिए सर। मंदिर के बारे में जानने का मौका मिलेगा तो आखिर क्या हुआ था और क्या होने वाला है ये सब हम जान सकते हैं। सर, उस मंदिर के बारे में अगर हमें सब कुछ जानना है तो तंजावुर के आदिशक्ति पीठ के पीठाधिपति से मिलना होगा।
स्वामी जी, हमें बड़े स्वामी से बहुत आवश्यक क्या बात है पंडित जी, किसी भी तरह मिला दीजिए, बड़ी कृपा होगी। वर्मा नामक राजा के शासन के समय द्राविड़ राज्य में एक बार सूखा पड़ने लगा। हरी भरी फसलें सूख गई, पशु मरने लगे, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, सब कुछ शमशान में बदल गया। जहां खाने पीने की कोई कमी न थी, वहां की जनता भूख से मरने लगी थी। अपने राज्य की जनता को भूख से बिलखता देखकर राजा चिंतित होकर अकेले ही राज्य के भ्रमण पर निकल पड़े। एक जगह उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति दिखाई थी। राजा ने मूर्ति से कहा, भगवन, यदि आप मेरी प्रजा को इस संकट से बचा लेंगे तो मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपका एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। उसके बाद तो जैसे चमत्कार हो गया, लगातार घनघोर बारिश से पूरा राज्य फिर से हरा भरा खुशहाल हो उठा। पूरे राज्य की प्रजा की प्रसन्नता फिर से वापस लौट आई। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने हेतु राजा ने बिल्कुल समय ना गंवाते हुए भारतवर्ष में प्रसिद्ध प्रमुख शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर उनके हाथों मंदिर बनवाना शुरू किया। मंदिर का कार्य प्रगति पर था। उसी समय एक दिन राजा ने विश्वकर्मा से अपने राज्य वैभव को वापस ले आने वाले स्वामी के मंदिर के लिए अब तक किसी भी मंदिर में ना हो ऐसी कोई विशेषता चाहिए, ये इच्छा व्यक्त की और अपने वंश की पारंपरिक संपत्ति कोशिनूर मणि को विश्वकर्मा के हाथों में देते हुए कहीं इस्तेमाल करने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने उस मणि को स्वामी के चरणों में स्थापित करने का निर्णय लिया। मणि की विशेषता थी कि जब जब भी उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती तो वो सैकड़ों गुना ज्यादा प्रकाशित होकर अद्भुत प्रकाश को जन्म देती। विश्वकर्मा ने मंदिर में मणि को इस प्रकार स्थापित किया कि कार्तिक पूर्णिमा की रात वो मणि सैकड़ों चंद्र के समान प्रकाशित हो। मणि से निकलने वाली किरणें पूरे मंदिर को अद्भुत प्रकाश से जगमगा देती। राजा कीर्ति वर्मा ने जिस विशेषता की आशा शिल्पी विश्वकर्मा से की थी वो पूरी हुई। मंदिर के विलक्षण रोशनी का रहस्य पूरे संसार के लिए अनसुलझा बना रहे और मंदिर अपनी इसी विशेषता के लिए जाना जाए, यही राजा चाहते थे। और संयोग देखो, कल ही कार्तिक पूर्णिमा है। तो फिर इसका उपाय क्या है? विजयी भव। हमारे कैंप की फोटोज हैं। ए, कैंप के सारे फोटोज तूने अपलोड किए हैं ना? कुछ मिस तो नहीं हुआ है ना? सब कर लिया भाई। इलेक्ट्रिशियन के मरने के दिन के फोटोज हैं क्या? वो भी है। ए, जिस दिन वो मरा था उस दिन डेट क्या थी? 7 थी शायद। 7 तारीख की फोटोज निकाल। क्या हुआ कार्तिक? 1 सेकंड। ए, ये सब नहीं, पीछे और पीछे 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 पीछे। हाँ, बस 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 बस, कम बैक कम बैक कम बैक, और पीछे पीछे पीछे। अब बस रुक जा। ए ताबीज, we'll be right back.
रुक। क्या हुआ इसे? हाँ? अब क्या करें? अब क्या करेंगे कार्तिक? प्रयास करो, साधना साध्यते सर्वम। मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। मंदिर में? कार्तिक, अकेले ही जाऊंगा। कौन है वो? कौन है? और कितने लोग हो तुम सब? आखिर हो कौन तुम सब लोग?
ये पूरे एक साल की मेहनत है, एक साल की मेरी मेहनत और सब मिट्टी में मिला दिया। क्यों किया तूने? क्यों किया तूने? रातों रात इस गांव का हीरो बनना चाहता है तू? क्यों किया तूने? वैसे भी बहुत देर हो गई है, चल अब बता। हर साल जब यहाँ रोशनी आती है तो आसपास के गांवों के अलावा देश के कोने कोने से और विदेशों से भी लोग आने लगते हैं। लास्ट ईयर 4-5 फॉरेनर्स ने यहाँ आकर रोशनी दिखने पर कुछ फोटोज ली और हैदराबाद में मेरे ऑफिस में उन्हें मेल कर दिया। उन मेल्स में लिखी बातों को पढ़कर मैंने उन्हें डायरेक्ट मिलने के लिए कहा। The light which we experience from the temple has valuable source. What we hope it must be a diamond, which is almost equal to more than Kohinoor diamond. If you give us permission, then we will trace out that mystery. हमारे लोग मानेंगे नहीं, उल्टा हमारी हालत खस्ता कर देंगे। बिलीव उसे तोड़ना मुश्किल है, उनके जाने से अच्छा ये है कि उसे चुरा लिया जाए। Let's rob it. हमें उसी भरोसे को मारना होगा। Is it possible? Everything is possible in India with belief. मेरा यकीन करिए। वो रोशनी क्या है अगर उसे जानना है तो अगले साल की कार्तिक पूर्णिमा तक रुकना होगा। जब रोशनी हो उस समय लोग वहीं रहे तो हमें कुछ भी जानने का मौका नहीं मिलेगा। So, planning की step one, मंदिर को बंद करना होगा। बंद करना होगा मतलब उस गांव में भरोसे के दो आदमी चाहिए होंगे। उनके साथ मिलकर मंदिर बंद करने की कोशिश में पहले उस मंदिर के ट्रेजरर को पॉइजन शॉट दिया ताबीज ने। मुझे पता था ये सब होने के बाद भी लोग मंदिर में आएंगे तो लोगों में डर पैदा करना जरूरी था और उस डर को भगवान बनाना था। हिम्मत करके अगर मंदिर में आने वाले हर इंसान को सांप काट ले तो लोगों का डर और भी बढ़ जाएगा। लेकिन ताबीज हर किसी इंसान को पॉइजन शॉट तो दे ही नहीं सकता था, तो मैंने उनसे ये सवाल किया। It is possible, Mr. Purudvi. Is it? How? Through snake hypnotism. मुझे एक नई बात बताई गई। साइंस के इस रूप के बारे में मैंने पहली बार जाना और उस पर यकीन भी हुआ। प्लान के मुताबिक ठीक दो दिन बाद ही एक प्रेमी जोड़े को मरवा दिया और मंदिर श्रापित हो चुका है ये अफवाह फैला दी और प्रधान पुजारी को मरवा कर मंदिर बंद करवा दिया। हैदराबाद से मैं और गांव में ये मंदिर के बारे में जानने वाले हर इंसान को खत्म करते चले गए और उसी प्रोसेस में एक जर्नलिस्ट, एक ईडी एम्प्लॉय और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मारा गया। भगवान को और साइंस को अच्छा लिंक किया था तूने। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है सर। ससुराल वाले ऑन द वे हैं, मतलब पुलिस वाले। क्यों सर, फाइनली मंदिर ओपन हो ही गया, अब तो खुश हो ना? सब कुछ उस ईश्वर की इच्छा। सारा क्रेडिट उस भगवान को दे दिया आपने, ये तो गलत है सर। ये बात है और नहीं तो क्या। मंदिर बंद कराने की वजह एक इंसान है, वो उसका लालच है। और वो मंदिर दोबारा खुलने की वजह भी एक इंसान ही तो है। ये बीच में भगवान कहां से आ गया? तुम्हारी नजर में दुनिया में स्थित हर सवाल का जवाब होता है ना? ठीक है, मेरे पूछे 3 सवालों का जवाब तुम दे सकते हो? हाँ पूछिए। जब तुम पहली बार इस गांव में प्रवेश किए थे तब गांव की सीमा पर बैठे एक पागल साधु ने तुम्हें सिर्फ गांव में जाने के लिए क्यों कहा पता है? उस जहरीले सांप ने हर किसी की जान ले ली लेकिन तुम्हारी जान क्यों नहीं ले पाया बताओ? तुम्हारी मां ने तुम्हारे हाथ में कड़ा बांधा है इसलिए। तंजावूर के पीठाधिपति
हम इतने सारे लोग थे फिर भी तुम्हें ही अंदर क्यों बुला कर ले गए? एक साल से बंद बिना दीपक वाले इस देवालय में दोबारा वृश्चिक राशि वाले के हाथों से ही दीप आराधना होगी, ये बात उन्होंने कही थी। तुम्हारी कौन सी राशि है ये तो तुम जानते ही हो। इन सभी सवालों का जवाब अगर दोगे तो भगवान नहीं है, सब कुछ साइंस है, ये मैं मान लूंगा, लेकिन तब तक ईश्वर की इच्छा। भगवान है या नहीं ये कहने के लिए मेरी उम्र काफी नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने अनुभव से कहूँ तो हर पूजा का एक फल होता है, हर प्रेयर पर एक पावर मिलती है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर कार्तिकेय स्वामी। कार्तिकेय कुमार स्वामी मेरा पूरा नाम, कुमार स्वामी का दूसरा नाम ही सुब्रमण्यम स्वामी है, मतलब भगवान। मंदिर खुलने का सारा क्रेडिट तुम्हारा ही है क्या? क्यों नहीं है क्या? भूल गए क्या उस दिन रात को मैं तुम्हारे सामने आई थी? हेलो क्या बात है? ईडी ऑफिसर और उसके दो आदमी जेल में मर गए सांप के काटने से। माँ इतना घी। ये क्या कार्तिक, तुमने अपने हाथ का कड़ा अब तक उतारा नहीं? हाँ प्रोफेसर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ए, उस सांप को डीहिप्नोटाइज कर दिया, अब तुम सेफ हो। सुपर। एक बात कहूँ, कहाँ जा रहे हैं ये जाने बिना तुम्हारे साथ जर्नी करने में, मुझे तो बड़ा मजा आता है यार। गोवा जा रहे हैं। गोवा? बैचलर पार्टी के लिए ले जा रहे हो क्या? बेस भी होंगे ना? होगा ही ना। गोवा में एक गुफा है, उस गुफा में जाने वाला दोबारा वापस नहीं आया, और हम तीनों भी उसी गुफा में जा रहे हैं। పలు రంగులు దాగిలే బాపై కనిపించే తలుపులోన చిమ్మ చీకటి ముసుగులోను నీడలు ఎన్నో ఉండవా అడగనిదే ఏ జవాబు తనకై తానెదురు కాదు అద్భుతమే దొరుకుతుంది అన్వేషించరా ప్రతి ఒక్క రోజిలా అలా ప్రశ్నించే లక్షణం లేకుంటే ఎలా మలుపుతోను మార్చలేదా మనిషి బాట తెలియని తన వేపు నాది తెలిసిన క్షణమే ఉగాది తెలివికి గిరి గీత ఏది ప్రయత్నించరా ప్రతి
करो जिला।